ये हमारे जाकिर हुसैन वार्ड के पार्षद साहब हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है नगर निगम के अंदर। आज ही अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कचरे के ऊपर बैठ के। पार्षद साहब आप कुछ कहेंगे आज फेसबुक पे वीडियो अपलोड? कहेंगे कि नगर निगम बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। नगर निगम खासकर मुस्लिम क्षेत्रों के साथ पक्षपात कर रही है। बीजेपी की सरकार के अंदर जो है खासकर मुसलमान जो एरिया जो भी आ रहा है वहाँ जानबूझकर वहाँ डोर टू डोर बंद करा दिया गया है। डोर टू डोर के नाम पे जो है डेली जो है मतलब महीने का जो है करोड़ों रुपये भुगतान किया जा रहा, लेकिन नगर निगम कमिश्नर इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। आज नगर निगम कमिश्नर जब तक हमारे वार्ड में नहीं आएगा चाहे जब तक मैं इस चक्कर में बैठा रहूँगा, चाहे जो भी बीमारी हमारे क्षेत्र में बीमारियों का प्रकोप चल निकला है, हमारे क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज अस्पताल में पड़े, लेकिन नगर निगम महापौर को नगर निगम कमिश्नर को जरा सा भी परवाह नहीं है किसी और आगे देखे। कई बार फोन लगाने के बाद भी फोन बंद बता रहा। कल से मैं परेशान हो रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में डोर टू डोर के नाम पे जो कलेक्शन किया जाए उसको बंद किया जाए, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, लेकिन नगर निगम कहीं भी जो है हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आज मजबूर होकर मैं कचरे के ढेर पर बैठा हूँ, जब तक कमिश्नर नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ।